तो मिंता रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ रागी की चिप्स। टी टाइम के खाने वाली चाय के साथ खाने के लिए बना रही हूँ। सभी का मन होता है चाय के साथ कुछ खाने का, क्रिस्पी सा, बहुत कुरकुरी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें कोई मसाले भी नहीं डालते। हमने रागी का आटा लिया है और गेहूं का आटा, चावल का आटा। मेरे पास चावल का सूखा आटा नहीं था, इसलिए मैंने चावल को पहले भिगो दिया था, फिर उसको पीस लिया है। एक कटोरी हमने रागी का आटा लिया है और एक कटोरी गेहूं का आटा और उससे आधा चावल का आटा। इसमें कोई मसाले नहीं डालते, केवल नमक और हल्दी से जो टेस्टी स्नैक बनकर तैयार हो जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। जब भी आपकी इच्छा हो कुछ खाने की, चटपटा क्रिस्पी, ये आप बना करके ज़रूर खाइए और रख सकते हैं आप, चाहे जितने दिन के लिए बना करके एक डिब्बे में रख लें। हम आटा गूंथ करके 10 मिनट की रख देंगे। उसके बाद बड़ी लोई काटेंगे और आटा लगा करके इसकी पूड़ी बेल लेंगे। और पट्टी इसकी काट लेंगे, जिस आकार में आपको पसंद हो वैसे ही काट लें। बेल करके इसकी पट्टी काटते जाएंगे। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं, अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं कोई भी रेसिपी डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ऐसे हम काट करके रख लेंगे एक प्लेट में और कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी चिप्स कट रही हैं तब तक हमारा तेल भी गरम हो जाएगा। हमारा तेल अब गरम हो गया है, अब हम अपनी चिप्स तल लेंगे। तल करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। गैस को बिल्कुल मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है, नहीं तो वो तलेंगी नहीं जल्दी और जलने लगेंगी। तलने के बाद कुछ ऐसी दिखने लगती हैं। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी चिप्स तलकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे चाट मसाला, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर, पिसी हुई चीनी, मैगी मसाला। इससे बहुत टेस्टी बनती हैं और खट्टी मीठी अच्छी लगती हैं। डाल करके मिला देंगे। ये बहुत क्रिस्पी रहती है चिप्स। हमारी चिप्स बनकर तैयार हो गई हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और आप भी ज़रूर बनाइए। रागी के आटा की चिप्स बनकर तैयार हो गई हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।